से एक उच्च स्तरीय जांच है, उनको इसमें शामिल करें और तत्काल ज्वाइनिंग करवाएं, ये हम चाहते हैं, अगर वो संभव नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की बड़ी खबर संदीप सौरभ जी को जो तो आप जानते होंगे, विपक्ष के बड़े ये एक नेता के तौर पे जाने जाते हैं, आप लोग जानते हैं, और ये विधायक हैं रिसेंटली में। आप लोग के लिए बड़ी खबर, ये एक न्यूज़ आई है, चाहे एसटीटी हो या फिर 94,000 शिक्षक नियोजन से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी हो, सभी के लिए हमने सभी का पुरजोर तरीका से आवाज़ उठाने का प्रयास किया। वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य बने रहिएगा प्लीज़ दोस्तों, उनका वीडियो भी मैं दिखलाने वाला हूँ, और उनसे जो अभी मैंने बात किया, चाहे दिसंबर सीटीईटी, जनवरी सीटीईटी, चाहे एसटीईटी हो, सारे मुद्दे पर हमने बात किया। बड़ी ज्वलन मुद्दा है, बड़ी बिग ब्रेकिंग है कि अभी रिसेंटली में विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है, उस सत्र में भी बड़े पैमाने पर इसका आवाज़ उठने वाला है। आपको बता दें कि जो 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी यानी बहाली से वंचित अभ्यर्थी है, उनका न्यूज़ भी इन लोगों के पास मालूम नहीं था, अब आप सोच सकते हैं। तो अब इनको न्यूज़ मालूम हुई है रिसेंटली में, डिटेल में, कि आखिर मुद्दा क्या चल रहा है 94,000 शिक्षक बहाली में, चाहे एसटीटी में, तो सारा चीज़ इनको बता दिया गया है। और आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो को दोस्तों शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके लिए मैं खुद इतना ज़्यादा कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करके जाइएगा, और कम से कम 10 व्यक्ति के यहाँ एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट शेयर करेंगे दोस्तों ये वीडियो को। चलिए अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो मंदिर सर बोल रहे हैं क्या? जी सर, हम विक्की गोयल बोल रहे हैं सर, न्यूज चैनल से, यूट्यूब न्यूज चैनल से सर। जी 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 सर, सर बात आपसे करनी थी कि कुछ दिसंबर और जनवरी वाले सीटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सर, और एसटीटी का मुद्दा तो सर आप अभी जान ही रहे होंगे, आपका भी जी, तो इसके ऊपर सर बात आपसे करनी थी कि सर बहुत सारे अभ्यर्थियों का वंचित किया गया है, दिसंबर और जनवरी वाले अभ्यर्थियों का, खासकर जो 94,000 शिक्षक नियोजन चल रही है जी, तो सर इसके ऊपर आप लोग मतलब कुछ कर रहे हैं सर? विधानसभा में सवाल दे रहे हैं इससे, विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उसको सरकार को सवाल दे रहे हैं आपको जी सर। पर इसका मुद्दा जो है थोड़ा सर मजबूती के साथ अगर उठाइएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी कुछ अभ्यर्थी को तो लिया जा रहा है 94,000, अब एक ही घर में सर आप भी सोच सकते हैं कि अगर दो भाई है, तो एक भाई को अभी छठे चरण में हो रहा है और एक भाई को नहीं हो रहा है, तो अब इसके ऊपर क्या दिक्कत है? वही दिक्कत है ना, पूरा जो नियोजन का प्रणाली है इसमें गड़बड़ी है जी, पूरा फर्जीवाड़ा है सर। मेरे पास प्रूफ भी आया है सर कि सीतामढ़ी में ऐसे ऐसे कैंडिडेट सीतामढ़ी के हैं जिनका 63% बन रहा है, बट दिया गया उनका 85% सर। जी मेरे पास प्रूफ है, खुद पीडीएफ भी आ चुका है सर आपका, ये हम सॉरी सर भूल गए थे सर, आप बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या सर? बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि उन लोगों को सर मैं पहले बता दूं, नियोजन में जो खामियां हैं उसको लेकर के गुलबंद होना चाहिए और नियुक्ति हो ताकि शिक्षा का क्वालिटी बेहतर हो। सर एक हफ्ता के अंदर में कुछ अभ्यर्थियों का जो हमें न्यूज मालूम हुई है कि बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जो छठे चरण में उनको भाग नहीं दिया गया है, तो तकरीबन 50,000 ऐसे अभ्यर्थी, 40,000 ऐसे अभ्यर्थी जिनको सर मौका नहीं दिया गया छठे चरण में, प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली में सर, और स्टेट का तो मुद्दा एक अलग है मेरिट, बट ये जो किया गया छठे चरण में इसके लेकर आपका जो विचार हो, आप अपने स्टूडेंट से सर कह सकते हैं, बिहार के अभ्यर्थी आपको अभी ये ऑडियो कहे, अगर आप राय दे तो मैं आपका ऑडियो को रिकॉर्ड करके और पब्लिश कर सकता हूँ, क्योंकि आपका ये ऑडियो 50,000-1,00,000 व्यक्ति अवश्य देखेंगे सर। ये हम तो छात्रों के साथ नाइंसाफी सरकार कर रही है, उनको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार बिहार की है, शिक्षा मंत्री जो है वो पूर्ण तरीके से शिक्षा व्यवस्था के ऊपर लापरवाही दिखा रहे हैं और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जी, इसलिए हम लोग खुद से ही सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ बोलना होगा, लड़ना होगा और अपने अधिकार को मांगना होगा। इसलिए जो टिकट के अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, उनके आंदोलन में हम शरीक भी होंगे, और स्टेट बहाली को लेकर के तो कई दफा हम लोगों ने कोशिश की है, सरकार अभी मान नहीं रही है और उसके लिए हम लोग विधानसभा में एक मजबूत सवाल बना करके दे रहे हैं।
अच्छा सर, ये जो दिसंबर और जनवरी का जो मैटर अभी हमने बताया, ये आपको मालूम थी क्या सर पहले से? दिसंबर और जनवरी वाला मैटर को एग्जैक्ट इस तरह से मालूम नहीं था, लेकिन हमको ये पता है कि अभी जो सेक्रेटरी की ज्वाइनिंग चल रही है इसमें कई सारी खामियां हैं। सर गवर्नमेंट की तरफ से निदेशक महोदय जी हो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो है, और शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी रिसेंटली में कहा गया कि जल्द ही हम सातवें चरण की बाहरी लैंग्वेज में प्रारंभ प्राइमरी वालों के लिए दिलाएंगे, लेकिन एक तरफ नोटिस भी जारी किया गया है कि एसटीटी के लिए कितना सीट है 24 घंटे में प्रोवाइड कराया जाए 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी सीट बिहार में खाली होंगे ना सर, सीट प्रोवाइड कराया जाए, और प्राइमरी वाले के लिए कुछ नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है सर? जब तक आप प्राइमरी शिक्षा को सीट नहीं कीजिएगा तब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा। वही तो सर, वही वही लाखों की संख्या में सर सीट खाली, शिक्षा के पद अगर टोटल खाली है जटिल करना, उनको अपारदर्शी बनाना, ये स्कूल प्लानिंग तैयार में उनको दिखती है, तो इसीलिए हम लोग का जो एकदम क्लियर कट मांग होना चाहिए बहुत वर्षों बिहार में जो नियोजन का जो प्रथा है इसको खत्म कीजिए, नियुक्ति की बात कीजिए, है ना, ये बड़ी बात है। जितने पेंडिंग पोस्ट है, जितने भी स्वीकृत पद है, उनको एक साथ जोड़ करके इमीडिएटली जितने लोग वेटिंग में है उन सबको तुरंत लगा काम दिया जाए, नौकरी दिया जाए, उनको ज्वाइनिंग करवाई जाए और पूरे वेतन के साथ ज्वाइनिंग करवाया जाए, यही हम चाहते हैं। ऊर्जा के साथ पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए ज्वाइनिंग जरूरी है, नियोजन नहीं नियुक्ति चाहिए हम लोग को, नियोजन नहीं नियुक्ति चाहिए, ये मेरिट और नॉन मेरिट दोनों तरह के छात्रों की साझी मांग है कि हम लोग को नियुक्ति ही चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेट 2019 की जो बहाली है इसकी विज्ञप्ति में सरकार ने कहा, सरकार जब कह रही है कोई बात तो उनके सामने पहले के नियम कानून सब होते हैं, वो नियम कानून पहले को देख करके ही, तब भी उसके बावजूद अगर सरकार ने कहा है कि हम नियुक्ति करवाएंगे तो अब अचानक से मैच के बीच में आप गेम बदल देंगे कि नहीं भाई छक्का को हम चौका करने लगेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो सबको ज्वाइनिंग दे ये हम चाहते हैं, और ये तुरंत दे, ये पूरी प्रक्रिया जल्द से जल्द किया जाए, लॉकडाउन के बाद बिहार के तमाम बच्चे जो हैं वो शिक्षा से बेदखल महसूस कर रहे हैं, जैसे ही स्कूल खुले तो वो जब अपने स्कूल में पहुंचे तो शिक्षक के पद पे, शिक्षक के चेयर पे उनको शिक्षक बैठा हुआ दिखे, हम ये चाहते हैं, इसलिए ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो, फेयर तरीके से हो, और इसमें कोई भी विद्यार्थी कोई भी परीक्षार्थी जिनको सरकार ने आश्वासन भी दे दिया था कि हम आपको ले लेंगे आपकी नौकरी पक्की समझिए, इसके चक्कर में वो लोग अपना